आलाय प्रशांत गायकवाड आपलं वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन त्याचा सामना करेल विशाल शाह से स्ट्राइक वर नो स्ट्राइकरला ओंकर केने। सत्रे सर दादासाहेब सत्रे आणि मयूर वागत साहेब देखील इथे उपस्थित आहेत, त्यांचं सहर्ष स्वागत करतोय। आणि पंढरपूरचं क्रिकेट जे वाढवणारे आमचे अवधूतजी बडवे साहेब इथे उपस्थित आहेत, त्यांचं सहर्ष स्वागत असेल। पहली गेंद पर धमाकेदार स्ट्रोक और ये शानदार प्रयास, भले ही कैच नहीं पकड़ा होगा लेकिन एफर्ट बहुत बढ़िया था वहां पे। पहली गेंद ऑन रन लगाने की कोशिश, गेंद हवा में थी, फील्डर के हाथ से कैच छूटता हुआ, कैच छूटा, गेंदबाज का दिल टूटा और फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है बॉलिंग करने के लिए। इन फॉर्म रहने वाले बैट्समैन को जीवनदान मिलता हुआ ओमकार किने के लिए जीवनदान मिला। अब स्ट्राइक होंगे, पिछले मैच में दमदार शुरुआत दिलाने वाले विशाल शाह होंगे स्ट्राइक पर बैटिंग करने के लिए। केसीसी चषक यानी कि करकम क्रिकेट क्लब करकम की ओर से यह टूर्नामेंट जो चल रही है जिसका नाम है केसीसी चषक का घमासान रन संग्राम जो चल रहा है, उस रन संग्राम का आज की आठवीं शाम और आठवीं शाम का यह मैच नंबर चल रहा है इस वक्त, चौथा मैच इस वक्त जारी है। लोग फुल टॉस गेंद, तीस बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंद आएगी, बिल्कुल पॉइंट क्षेत्र में गेंद आएगी वहां पर, और ये बीमर की लिए वहां पर अंपर की ओर कॉल दिया जाता हुआ, बीमर की ओर कॉल दिया जा रहा है। अंपर चाहते कि ये बीमर अगर गिर जाए, गिर गई तो निश्चित ही नो बॉल होगा। तीसरे अंपर की ओर मदद मांगी जा रही है वहां पर। लेकिन अंपर जी आपका सॉफ्ट सिग्नल क्या है थोड़ा सा बताएं। तो यकीनन ये नोबॉल होगा, नोबॉल है क्योंकि कमर के काफी ऊंची उठी गेंद थी और नोबॉल के एक रन मिलेगा वहां पर, नोबॉल का सिंगल मिलेगा। अष्टविनायक इलेवन क्रिकेट टीम ठाणे टीम का स्कोर केवल दो रन की योग पर। चलेंगे प्रशांत फिर से गेंदबाजी करने के लिए बॉलिंग करेंगे, इस बार रेठाम रौंदिगत से बॉलिंग करेंगे। सामने है बल्लेबाज विशाल शाह के लिए, बहुत अच्छी गेंद, तेज रफ्तार से गेंद, इस बार एक स्ट्रोक लगाना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज को मिस कर गया, बिल्कुल विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली जा रही है। प्रशांत गायकवाड़ एक क्रिकेट के नामचीन खिलाड़ी है, चाहे लेदर बॉल का क्रिकेट हो चाहे टेनिस बॉल का क्रिकेट में सक्षम रहने वाले खिलाड़ी, गट्सी क्रिकेटर इन्हें माना जाता है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है टीम की ओर से प्रशांत गायकवाड़। प्रशांत फिर से इस बार मिडल स्टंप पर आती गेंद, लो फुल टॉस गेंद थी, ऑन रन लगाया जा रहा है, बिल्कुल अमित पाटेकर है फील्डिंग करने के लिए स्क्वायर लेग क्षेत्र में, फिर भी एक ही रन आएगा वहां पर, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल स्कोर केवल तीन रन की योग पर। कल टूर्नामेंट के बिल्कुल तीन क्वार्टर फाइनल मैचेस यहां पर खिलाए जाएंगे, साथ ही साथ बिल्कुल विशेष आकर्षण के तौर पर डीएन रॉक डांसिंग अंपायर होंगे कल के दिन में, कल के नाइट में यहां पर मैच देखने के लिए आपके लिए विशेष आकर्षण, दर्शकों का दिल बहलाने का काम करने वाली अंपायरिंग देखेंगे वहां पर डीएन रॉक का। उसके बाद आने वाले 24 तारीख को इस टूर्नामेंट का एक क्वार्टर फाइनल और एक सेमीफाइनल मैच जो है मेरे ख्याल से शायद दिन में लिया जा सकता है, और जैसे कि 3 बजे दोपहर में मैच होगा, बचा हुआ 14 क्वार्टर फाइनल मैच, उसके बाद 2 सेमीफाइनल और फाइनल मैच, उसके लिए विशेष आकर्षण होंगे, यानी कि डांसिंग अंपायर के संस्थापक जिन्हें कहा जा सकता है डीएन रॉक्स, माफ करना गोटे आने की शंकर जी धोत्रे मुंबई से आएंगे वहां पर अपनी अदाकारी दिखाने के लिए। शायद हमारे कमेंटर संदीप जी भालके आ सकते हैं शायद फाइनल के लिए। अच्छी गेंद, तीस बार गेंद को मारने की कोशिश, गेंद जाएगी बिल्कुल शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, जब तक कि फील्डर फील करते हैं, फिर भी
और आगे बढ़ता बस स्कोर 5-4 गेंदों का खेल बिल्कुल पूरा होने के बाद स्कोर है 5 रन। फील्ड में परिवर्तन किया जाता है, फील्डिंग सजाई जा रही है और लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर का जब कॉम्बिनेशन होता है तो खासकर से फील्डर को यहां से वहां बार बार दौड़ना पड़ता है, ज्यादातर मेहनत जो है फील्डर लोगों को लेनी पड़ती है और इस तरह से लेफ्टी और राइट हैंडर का कॉम्बिनेशन इस वक्त नजर आ रहा है। राइट हैंडर बल्लेबाज है विशाल शाह, नॉस्ट है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज ओंकार किने। फिर से बार ये गेंद छोटा प्लान गई थी, गेंद को आने का इंतजार किया, फुल स्ट्रोक खेला जा रहा है, गेंद जाएगी बिल्कुल डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में और निश्चित ही जब तक गेंद को बाउंड्री के अंदर खिलाड़ी रोक पाते हैं दूसरा रन बनाने का मौका मिलता हुआ और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा 7 रन की योग पर। चलेंगे फिर से इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए बीच राइट हार्म राउंड दिग से गेंदबाजी करेंगे प्रशांत गायकवाड़। कुट्टा पदा चेंडू स्ट्राइक फटका, इतने मात्र चेंडू होईल सीमा पार, 4 धावा मिळतील आणि या चौकाराने संघाची भारतीय धावसंख्या पोहोचली होती 8-11 क्रिकेट संघ ठाणे संघाची धावसंख्या पोहोचली। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बिन गडी बाद नाबाद 11 धावा। चलेंगे नए ओवर की शुरुआत करने के लिए, कप्तान किसे बुलाएंगे बॉलिंग करने के लिए। तो अभी आएंगे गेंदबाजी करने के लिए और अभी को अभी अभी बुलाया जा रहा है बॉलिंग करने के लिए। अभी ये तो गोलंदाजी आप लोग वैयक्तिक पहले संघाकड़ डाबा षटक क्रमांक घेर तो दूसरा षटक सामना करेल तो फलंदाज स्ट्राइक वर असेल निश्चित धावकुरा फलंदाज ओंकार। चलेंगे फिर से इस बार गेंदबाजी करने के लिए, इस बार धीमी रफ्तार से गेंद इस बार मारने की कोशिश में गेंद बल्लेबाज को मिस कर दी, गेंद विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली जा रही है, थोड़ी सी डॉट गेंद चली जा रही है वहां पर देखिए। इस बार ये गेंद काफी जबरदस्त अंपायरिंग की अदाकारी वहां पर देखने मिल रही है प्रवीण सर की, रिप्ले में भी पता चला था कि बिल्कुल गेंद जो है विकेट स्टंप के ऊपर से चली गई थी वहां पर। शॉर्ट गेंद इस बार ये उनका पसंदीदा स्ट्रोक है, ये बिल्कुल सुरेश रैना के अंदाज में छक्का निकलता है इस बार, जस्ट शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बल्लेबाज ने फुल पावरफुल स्ट्रोक खेला सीधी गेंद ग्राउंड के बाहर 6 रन। नारायण पेटकर यांना विनंती की बॉल टाकायचे, नारायण पेटकर खूप खूप धन्यवाद नारायण पेडकर साहेब, आपण चेंडू आत टाकल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद असेल, आपण जे सहकार्य केलं याबद्दल खूप खूप धन्यवाद असेल। चलेंगे फिर से इस बार गेंदबाजी का आक्रमण सवाल निकली, अभी गेंदबाजी करेंगे राइट हार्म और दिग्गज से गेंदबाजी करेंगे विनीत मेड़ा यानी को पल्लू मेड़ा होंगे विकेट कीपिंग के लिए, वहां पर टीम के कप्तान है। अच्छी गेंद परफेक्ट यॉर्कर गेंद इस बार, लेकिन उतनी चतुराई से गेंद को मारा जा रहा है, गेंद जाएगी बिल्कुल बॉलर के पीछे लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद आएगी, इस बीच सिंगल रन लेने का अवसर मिलता हुआ, इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर आगे बढ़ रहा है 18 रन। वैसे देखा जाए तो फील्डिंग टीम की अगर बात करना चाहेंगे होटेल तात्या बच्ची तो फिर से इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए अभी गेंदबाजी करेंगे इस ओवर की, अगली गेंद लेकर सामने है आक्रामक खिलाड़ी विशाल शाह, एक छक्का इस बार लो फुल्टर गेंद आई, तेज तर्रार स्ट्रोक लगाया जा रहा है लेकिन फील्डर है वहां पर बहुत ही पुअर फील्डिंग का एफर्ट, देखेंगे दूसरा रन भी दौड़ा जाता हुआ, 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल स्कोर उस वक्त लगभग पहुंचता हुआ
कुल रन संख्या 20 रन की योग पर। इस बार ये गेंद, अभी की अगली गेंद, इस बार मिडल स्टंप पर आती हुई गेंद, ऑन साइड में गेंद को मारा जा रहा, गेम जाएगी बिल्कुल बिडवी के क्षेत्र में, और जब तक कि फील्डर फील करते हैं, इस बीच सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा 21 रन, एक ओवर और पांच गेंदे होने के बाद स्कोर है अष्टविनायक 11 ठाणे क्रिकेट टीम का स्कोर 21 रन 21 रन। इस मैच में जो भी टीम हारेगी तो आगे का मैच मेंडापुर टीम के साथ खेलेगी आगे का मैच के लिए, और जीतेगा वो छठे मैच के लिए जाएगा। इस बार पारो के पास गेंद आई, लेफ्ट स्ट्रोक लगाया जाता था, काफी जबरदस्त अंदाज की बैटिंग खेल रहे बल्लेबाज, और इस छक्के के साथ ओंकार के बैट से निकलने वाला ये धमाकेदार छक्का, और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 27-27 रन। जहां तक की ओवर्स की बात करना चाहेंगे, षटकार झाले दोन आणि धावा झाले तब्बल 27 धावा, नाबाद 27 धावा, अष्टविनायक 11 क्रिकेट संघ ठाणे। वैसे देखा जाए तो टॉस जीता था वहां पर होटल तात्या मच्छी क्रिकेट टीम के कप्तान ने टॉस वहां पर जीता है, और टॉस जीतने के बाद उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया जा रहा है। तो नए ओवर की शुरुआत करने के लिए गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए फिर से बॉलिंग करने के लिए बुलाया जा रहा है, समाधान पवार को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जाता बा, समाधान ने तो गोलंदाजी अपने वैयक्तिक पहले संघाकडून डावातील षटक क्रमांक घेऊन तो तीसरा। फिर से बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए गोलंदाजीला आलाय, समाधान आपलं वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडून तिसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन गोलंदाजी करतोय, हा चेंडू अकूट टप्प्याचा चेंडू बॅकवर जाऊन मात्र पुलचा फटका मारायचा प्रयत्न, इथं क्षेत्ररक्षकातून चूक होतीये, चेंडू जाईल तो डीप स्कोअरच्या दिशेने, एक धाव घेण्याची संधी मिळते, एका धावरीचे धावपूर्वक पुढे सरकतोय 28 धाव संख्येवर। तो किरण सोलंकी के हाथ से ये आसान सा कैच छूटता वहां पर, कैच छूटा और समाधान का दिल टूटा वहां पर। चलेंगे फिर से इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंद, इस बार गेंद को ललचाया, इस बार आसमान में ऊंचा मारा जाता है, देखना वैभव है, और बढ़िया कैच, वन ऑफ ब्यूटीफुल कैच, जबरदस्त कैच वहां पर पकड़ा जाता है। इस बीच बिल्कुल मैं गेंदबाज की तारीफ करना चाहूंगा, जानबूझकर प्लाइटेड गेंद थी, मारने के लिए ललचाया और उस लालच में फंस गए खिलाड़ी और गेंद जा रही है वहां पर, बिल्कुल ये गेम जो गेम प्लान था वहां पर समाधान का वो सक्सेस हो रहा है वहां पर। तो नए खिलाड़ी आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए विकी मुंबईकर, लेकिन मैच तो है इस वक्त ठाणेकर का और बल्लेबाज आ रहे मुंबईकर। चलेंगे नए खिलाड़ी वहां पर, विकी मुंबईकर जाएंगे बैटिंग करने के लिए, होंगे स्ट्राइक पर, और समाधान पवार ने अपने गेंदबाजी में विकेट ले ली, विकेट ले मिलने के बाद फिर से गेंदबाजी करेंगे, पुनः मात्र विकेट गिर तो गोलंदाजीला सज्जा से समाधान या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाजी करेल। तो इस बार सीधे गेंद को मारा जा रहा, गेंद जाएगी बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने, गेंद आ रही है 6 रन के लिए,
आते ही विक्की मुंबईकर ने अपने जलवा दिखा दिया, सीधे बैट से सीधा प्रहार निकलता बा, आगे बढ़ता बा स्कोर और टोटल इस टूर्नामेंट का ये 885वां छक्का लग रहा है। या स्पर्धेमध्ये तब्बल आतापर्यंत षटकाराची आठीच बाजी आपण पाहतोय, तब्बल 885वा हा षटकार आपण इथे पाहतोय। चलेंगे फिर से इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करेंगे इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। जस्ट शॉट ऑफ रन गेंद, इस बार गेंद को देखा जा चुका बरका, इस बार वाइड बॉल ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा दूर जा रहे हैं, अंपायर ने बताया कि गेंद वाइड बॉल है, वहां पर वाइड बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा, टोटल स्कोर 35-35 रन। चलेंगे फिर से इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे, इस बार गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश में, गेंद हवा में है, देखना नीचे खिलाड़ी जा रहे वहां पर, अभी अभी वहां तक नहीं पहुंच पाए गेंद तक, फिर भी पहले टप्पे पर जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं, अभी सिंगल रन आएगा वहां पर, विक्की मुंबईकर पहुंचे अपने व्यक्तिगत 7 रन की योग पर 2 गेंदों में और बढ़ता हुआ स्कोर अभी अष्टविनायक 11 थाने क्रिकेट टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 36 रन। चलेंगे फिर से इस बार गेंद, ओ मारने की कोशिश में, बल्ले का एज लगा वहां पर विकेट कीपर के पीछे, वहां पर अमित पाटीकर गेंद का पीछा कर रहे हैं, जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते थ्रो दिया जा रहा, 2 रनों की दौड़ लगाई जा रही है और इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन। विशाल शाह खेल रहे व्यक्तिगत 13 रन की योग पर, 9 गेंदों का उन्होंने मुकाबला किया और विक्की मुंबईकर ने 2 गेंदों में 7 रन बनाए टीम के लिए। स्टंप में गेंद को डालने के लिए मजबूर कर लिया, चाहते थे कि बिल्कुल बैट्समैन जो है, बैट्समैन की रणनीति यहां पर काम आ रही है, क्योंकि जब बॉलर दौड़ रहे थे उस वक्त तो उन्होंने तीनों स्टंप दिखाए और गेंदबाज को मजबूर किया स्टंप में गेंद डालने के लिए, जैसे ही गेंद स्टंप में आई बल्लेबाज ने अपना बल्ला चलाया और धमाकेदार अंदाज का विस्फोटक स्ट्रोक 6 रन के लिए निकल रहा है। जिस तरह से वहां पर समाधान का प्लान सक्सेस, उस तरह से यह बल्लेबाज का प्लान सक्सेस वहां पर। 3 ओवर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है, स्कोर है 44 रन, 3 षटका जैसे समाप्ति, अंतर धाव संख्या पहुंच लिए 46 धाव संख्या। और नए गेंदबाज के तौर पर मारुती कांबळे को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, मारुती कांबळे येतो गोलंदाजीला, आपलं वैयक्तिक पहिलं आणि संघातील या डावातील चौथं आणि शेवटचं षटक घेऊन येतो गोलंदाजीला, धावा झाला 44 धावा 1 गडी बाद 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर। चलेंगे गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, मारुती कांबळे को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, शेवटचे 6 चेंडू आणि किती धावा या षटकामध्ये काढल्या जातील आणि किती धावांचं आव्हान दिलं जाईल पाहूया, फलंदाज कशा प्रकारची फलंदाजी करतोय। पहला चेंडू आखूट टप्प्यात टाकला गेलाय, पंच म्हणतात नो बॉल असेल, दरम्यान 1 धाव देखील तिथे घेतली गेले, नो बॉल प्लस 1, टोटल धावा येतील 2 धाव डिक्लेअर आहेत का, ठीक आहे 2 धावा डिक्लेअर आणि नो बॉल, असे टोटल 3 धावा मिळतील आणि या 3 धावेची वाढती धाव संख्या 47 धाव संख्येवर। चलेंगे फिर से इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए मारुती कांबळे, इस बार बल्लेबाज के लिए सुनहरा मौका है विक्की मुंबईकर के लिए, क्योंकि उनको लाइसेंस मिल चुका है हिट लगाने के लिए, फ्री हिट का इशारा किया जाता हुआ,
ये देखिए लाइसेंस मिला, बल्ला चला आज भी इच्छा, ताबड़तोड़ स्ट्रोक निकलता हुआ, ये चाबुक स्ट्रोक निकल रहा है, गेंद जाएगी बिल्कुल फिर विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए, और इसी छक्के के साथ टीम के 50 रन यहां पर बिल्कुल पूरे हो चुके हैं। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 53 रन। तो बिल्कुल एलईडी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कितने बेहतर अंदाज का अभी भी छक्का हमने देखा है। और एलईडी स्क्रीन की अगर बात करना चाहेंगे तो स्क्रीन के हमारे सतीश जी काफी सारी मेहनत कर रहे हैं इस स्क्रीन को लगाने के लिए, लाइट टेलीकास्ट करने के लिए। अच्छी गेंद मारने की कोशिश में गेंद आएगी बिल्कुल लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, गेंद आएगी, एक ही रन आएगा वहां पर, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल रन संख्या इस वक्त लगभग पहुंच रही है 54 रन 54 धावा एक गरीब बात। तो इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर इस ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे मारुति कांबड़े की अगली गेंद। बहुत सारे दर्शक भी हम देख रहे हैं दर्शक दीर्घा में इस बार, ये तो बहुत ही आसमानी है, बहुत ही गगन चुंबी स्ट्रोक निकलता बा, पावर पंच निकलता बा, वागाची धार फुल लाइफ बार खन गणित धन धनित पावरफुल लाम लचक षटकार। तो बल्लेबाज के बैट से निकलने वाला, ये विशाल के बैट से निकलने वाला, जिस तरह उनका नाम है और ये टूर्नामेंट का 888वां छक्का लग रहा है वहां पर। आतापर्यंत स्पर्धे मध्य आज से 88 षटकार लागले आहेत, मागचा षटकार शॉर्ट गेंद, इस बार गोली की रफ्तार से गेंद को मारा जा रहा, गेंद आएगी बिल्कुल कवर सी मारेगा के दिशा में निकलती गेंद, काफी खूबसूरती के साथ ये ब्रांडेड स्ट्रोक निकलता हुआ, गेंद आएगी बिल्कुल बाउंड्री के बाहर जाती गेंद, 4 रन के लिए। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 64 रन। रनों की बड़ी मंजिल, रनों का बड़ा टारगेट देने की सेट करने की कोशिश की जा रही है अष्टविनायक टीम की ओर से विशाल शाह। ओहो दरम्यान सुरेख चेंडू टाकला गेला, इथं मात्र ऑफस्टंपच्या बाहेर जाऊन ऑनसाइडला फटका खेळायचा प्रयत्न, चेंडू टप्पा पर्यंत थोडासा खाली राहतोय, गेलाय तो फलंदाजाला चकवत यष्टीरक्षक विनीत मेडाकडे, निर्दोष चेंडू फेकला गेलाय, या डावातील हा शेवटचा चेंडू असेल, पाहूया गोलंदाज मारुती कांबळे सामोर येतो विशाल शाह। विशाल मात्र 13 चेंडू मध्ये तब्बल 29 धावसंख्येवर फलंदाजी करतोय। या षटकातील पुढचा चेंडू सुरेख चेंडू, हो काय फटका है देखना, ये बिल्कुल लगा कि जिस तरह से बंदूक में से गोली निकलती है बुलेट की अंदाज में फ्लैट छक्का निकल रहा है, बहुत ही नंबर वन स्ट्रोक निकलता हुआ बिल्कुल, क्या रिस्क का इस्तेमाल किया जाता है, बल्लेबाज की जितनी तारीफ की जाए छक्के के लिए उतनी कम है वहां पर, बहुत ही डेंजरस आसमानी स्ट्रोक निकलता हुआ, बाप करना फ्लैट छक्का निकला है और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 70 और मैच जीतने के लिए 71 का टारगेट होगा। होटल तात्या मच्छी टीम के लिए बिल्कुल टारगेट है लगभग 71 रन का टारगेट, 14 गेंदों में 35 रन की दमदार पारी खेली है बल्लेबाज विशाल शाह ने, हमारे जाने माने अंपायर सर कुलकर्णी सर और उनके साथ में सौरभ हौरे सर, इनकी मेहनत रंग ला रही है वहां पर, थोड़ा सा कुर्सी पर बैठकर आराम किया जाता है केके सर के साथ, इस टूर्नामेंट के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं वहां पर केके सर और कुलकर्णी सर। चलेंगे मैच की शुरुआत यहां पर होगी, तुरंत मैं अनुरोध करूंगा कि नई बॉल देकर मैच तुरंत शुरू किया जाए, एक चाहिए।
26 गेंदे और मैच जीतने के लिए 71 रनों की तलाश है वहां पर। शुभित चुंडू मध्ये बनवायचे आहेत 71 धावा, जर सामना जिंकत असेल शुभित चुंडू मध्ये 71 धावा बनवायचे आहेत। कितना पानी पीते हैं कुलकर्णी सर कुछ पता नहीं चलता है वहां पर। कन्हैया सर कितना पानी पीते हैं कुलकर्णी सर। चलेंगे मैच की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है। फिर से हमारे विक्रांत जी का यहाँ पर शुभ अकबर होता हुआ उनका मैं फिर से वेलकम करता हूँ, खासकर से चिपलून से यहाँ पर कमेंट्री करने के लिए आने वाले विक्रांत जी उनका मैं स्वागत करूंगा। गेंदबाजी का प्रभार संभालने के लिए अमरीश यादव आएंगे, गेंदबाजी करेंगे व्यक्तिगत पहला और लेकर उनके सामने है प्रशांत गायकवाड़ स्ट्राइक पर, नो स्ट्राइक की गेंद पे योगेश है बल्लेबाजी करने के लिए। अमरीश की पहली गेंद जस्ट शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, पटकी भी गेंद और काफी खूबसूरती के साथ, ये ब्रांड है रोहित शर्मा का और रोहित शर्मा के अंदाज में एक्स्ट्रा कवर ड्राइव लगाया जा रहा है। वन बाउंस गेंद जाएगी बिल्कुल और ये गेंद बॉर्डर के बाहर जा रही है 6 रन के लिए। चलेंगे अमरीश की गेंद पर, अमरीश यादव की गेंद पर प्रशांत के बैट से निकलने वाला धमाकेदार विस्फोटक जानदार खूबसूरत स्ट्रोक पहली गेंद पर लगाया जा रहा है। पैरों के पास गेंद आई, इस बार लेफ्ट स्ट्रोक लगाने की कोशिश, नीचे आ गए खिलाड़ी, शानदार कैच पकड़ा गया, विकेट जाएगी वहां पर, लगने वाला टीम के लिए पहला झटका लगा। थोड़ी सी जस्ट शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी लेकिन इस बार पैरों के पास गेंद आई, जगह से गेंद को ऑन साइड में मारना चाहते थे, हवा में खेल बैठे, नीचे खिलाड़ी आ गए, पकड़ा जा रहा कैच, विकेट जा रही है। मैं बल्लेबाज जाएंगे विनीत मेरा बैटिंग करने के लिए मैदान में। गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे लेफ्ट आर्म ओवर विकेट से गेंदबाजी करने के लिए, इस ओवर की विकेट मिला है, विकेट मिलने के बाद फिर से अमरीश यादव तैयार होंगे इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर बॉलिंग करेंगे। लेफ्ट आर्म ओवर विकेट से गेंदबाजी करेंगे, ये गेंद जस्ट शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, इस बार गेंद को मारने की कोशिश, हवा में नीचे आ गए खिलाड़ी, पकड़ा गया कैच, विकेट जा रही है वहां पर, तो विशाल शाह वहां पर फील्डर है जिन्होंने बल्लेबाजी में धमाल करने वाले विशाल फील्डिंग में कमाल कर रहे हैं वहां पर, विकेट जा रही है लगने वाला टीम के लिए, ये जोर का झटका धीरे से लग रहा है। तो नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए शुभम जाएंगे बैटिंग करने के लिए मैदान में।
हमारे टूर्नामेंट के करकम गांव के युवा नेते अभिषेक जी पूर्वत साहब का भी यहाँ पर शुभागमन होता बा, त्यांचे देखील मी सर से स्वागत करतो, सन्माननीय तथा आदरणीय अभिषेक जी पूर्वत साहेबांचं ते शुभागमन झालं, त्यांचं सर से स्वागत असेल। आणि त्यांची कन्या देखील आली आहे पुन्हा मॅच बघायला इथं, म्हणजे प्रत्येक दिवशी ज्यांची निश्चित हजेरी असते, राजनंदिनी देखील आणि आर्य आणि शौर्य हे देखील त्यांच्याबरोबर येताना आपण पाहतोय। शुभम बम बम शुभम मारने की कोशिश में गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है, बिल्कुल विकेट कीपर के हाथ में गेंद जाएगी। काफी क्लासिकल अंदाज की गेंदबाजी जा रही है, जो लेफ्टिनेंट का नेचुरल जो एंगल होता है उस एंगल पे गेंद चली जा रही है। टप्पा करने के बाद थोड़ी सी कौन बनाती भी गेंद बल्लेबाज को चकमा दे रही है, विकेट कीपर के हाथ में गेंद चली जा रही है। पुनश्च सन्माननीय अभिषेक जी पूर्व साहबान से सर से सर से स्वागत। इस बार गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश में शुभम के बैट से निकलता हुआ बम बम वाला स्ट्रोक, गेंद जाएगी बिल्कुल मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाती गेंद, 6 रन। ऐसी ही बल्लेबाजी करनी होगी अगर मैच को जीतना होगा, मैच को बनाना होगा। अगर आपने ऐसा सोचेंगे वो मार सकते तो हम क्यों नहीं मार सकते, ये सोच होनी चाहिए बैटिंग में। वहां पर पांच गेंदों में लगभग लगभग मेरे ख्याल से 2 छक्के अब तक लग चुके हैं। तो इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद जा रही है, बिल्कुल वाइड बॉल का इशारा बता जाता हुआ वाइड बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। रन संख्या इस वक्त लगभग पहुंच रही है कुल मिलाकर 13 रन, 13 धावा झाले। 2 गडीबाद षटक टाकला जातो, पहिला षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन गोलंदाजी करतोय अमरीश यादव, त्याचा सामना करेल तो आक्रमक फलंदाज। 2 चेंडूमध्ये 6 धावांची खेळी साकारणार शुभम। दरम्यान या षटकातील पुढील चेंडू, ओहो सरळ बॅटने फटका टोलवलाय, पाहूया क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय आणि निश्चितच फलंदाला माघारी परतावं लागेल। सुंदर झेल टिपला गेलाय फलंदाज होतो बाद, धक्का क्रमांक लागलाय, 3 गडी बाद धावा झाल्या 13-13, यहां पर स्कोर हो चुका है पहले ओवर की समाप्ति पे। नए बल्लेबाज जाएंगे मारुति कांबळे, या सामन्यातील विजयी संघ जाईल तो डायरेक्ट शेवटच्या सामन्यासाठी, म्हणजे 6व्या सामन्यासाठी, प्री क्वार्टर आपण फायनल त्याला म्हणू शकाल, आणि त्यानंतर या सामन्यात जो पराभूत होईल त्याचा सामना असेल यानंतर लगेचच पुढचा सामना असेल तो मेंढापूर क्रिकेट संघाबरोबर। स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तमाम जो दर्शकों की भीड़ इस वक्त हमें नजर आ रही है स्क्रीन पे, वो तमाम दर्शकों का हम केसीसी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। वैसे देखा जाए तो अगर स्कोर की मैं तुलना करना चाहूंगा तो पहले ओवर के समाप्ति पे बिल्कुल अष्टविनायक 11 क्रिकेट टीम ने केवल 11 रन बनाए थे, लेकिन यहां पर पंडरपुर टीम यानी कि बिल्कुल होटल तात्या मच्छी टीम बिल्कुल जिनके रन बने हैं 13 रन, 2 ज्यादा चले गए लेकिन विकेट ज्यादा चले गए उसके साथ में। स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि हमारे कमलाकर जी जानराव साहब, जिनकी जितनी तारीफ की जाए जिनकी, देखिए चेहरा बयान करता कि कितने थक चुके हैं वहां पर। चलेंगे फिर से इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए, नवर की शुरुआत करने के लिए, गेंदबाजी करने के लिए आएंगे बॉलर। पहली गेंद ऑफ्टन के बाहर गेंद जाएगी, वहां पर अंपायर ने बताया कि गेंद वाइड बॉल है, वहां पर वाइड बॉल के साथ रनों में इजाफा होता है, स्कोर आगे बढ़ रहा है 14 रन 3 विकेट के नुकसान पे। जीत के लिए टारगेट है 71 रन का, और टारगेट का पीछा करने के लिए शिवान सिंह गेंदबाजी करेंगे। वैसे तो सिंह इज किंग कहा जाता है, ये देखिए गिली आला उड़ी, वहां पर सिंह इज किंग, किंग का काम किया जाता है वहां। बल्लेबाज साफ बोल्ड हो रहे हैं, स्टंप भी करें, लगने वाला ये बिल्कुल 14 झटका लगा। अभी का जो विकेट गिरा था वहां पर 2 कदमों के दरबार से गेंद आर पार चली गई वहां पर, और हमारे लाइट लगेगी इसका मतलब राहुल जी का काम तमाम हो चुका है वहां पर। नए बल्लेबाज वैभव, ये थोड़े से हटके अंदाज के बल्लेबाज है, देख सकते हैं हम
योगेश देवकर साहब को देख सकते हैं स्क्रीन पर आप, ये भी काफी सारी मेहनत ले रहे हैं टूर्नामेंट के लिए। हमारे संजय जी वहां पर मौजूद है, संजय मोहित है जिन्होंने केसीसी क्रिकेट टीम को यहां पर इस मकान तक जो पहुंचा है। एक जमाने में केसीसी क्रिकेट टीम की पूरी सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में हवा चलती थी और इन्होंने तो बिल्कुल पूरे सोलापुर सिटी का दिल जीत लिया था अपने खेल से वहां पर। ये देखिए उनके सुपुत्र यानी कि प्रसाद जी मोहिते भी यहां पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। प्रसाद जी मोहिते मी राहुल यांना विनंती करतो की कृपया आपण बेल्स लावायच्या तिथं। तो सौरभ जी वहां पर दिख रहे स्क्रीन पर, धोत्रे आणि मोहिते साहेबांची ही पिढी आहे आपण पाहतोय, कारण मोठे धोत्रे आणि मोहिते मोहितेने करकमचं नाव खूप गाजवलं। आता मात्र ही जबाबदारी तरुण पिढीवर आहे। थोड़ा सा स्टाइल देखिए, मोबाइल का अंदाज कुछ अलग लग रहा है। तो जिन्हें जो गेंदबाज है वहां पर शिवान सिंह गेंदबाजी करेंगे। बीच अभिषेक जी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, वहां पर अभिषेक जी वहां पर नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। ये पटकी भी गेंद तीस बार गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश में गेंद गैप पे निकल रही है, लेकिन पहले टप्पे पर गेंद जाएगी वहां पर। दो रन के डिक्लेयर में दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। और हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं सुनील जी मोहिते साहब भी वहां पर मौजूद है, उनका भी हम स्वागत करते हैं यहाँ पर। वैसे देखा जाए तो बैटिंग करने वाले वैभव जो है बिल्कुल वैभव बड़वे वानखेड़े स्टेडियम में कोचिंग भी करते हैं, और साथ ही साथ हाल ही में जो वर्ल्ड कप के मैचेस खिलाए गए थे, इंडिया का मैच जो वानखेड़े स्टेडियम पे खेला गया था वहां पर इरफान पठान साहब और बिल्कुल हरभजन सिंह साहब के उनकी मुलाकात हुई थी वहां पर। ये देखिए क्लासिकल एक्सलेंट ब्यूटीफुल वंडरफुल स्ट्रोक निकलता हुआ, गेंद जाएगी बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर बॉडी के बाहर जाती गेंद, 4 रन की लिया। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन। चलेंगे फिर से इस बार गेंदबाजी करने के लिए, गेंद जस्ट शॉट ऑफ लाइन गेंद, इस बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंद बल्लेबाज को बीट करेगी वहां पर। आता अपन स्क्रीन वर पाहू शकता परवाज यांचा वाढदिवस झाला, राजनंदिनी अपन स्क्रीन वर पाहू शकता। चलेंगे फिर से इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। ओहो व्हाट अ स्ट्रोक, व्हाट अ बेहतरीन स्ट्रोक लगाने की कोशिश, लेकिन फील्डर की तारीफ करने की वहां पर, बहुत अच्छी कोशिश। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, बहुत ही लाजवाब है, पर भले ही वहां पर 5 रन भी रोके, और क्रिकेट में हर रन का मोल काफी अनमोल होता है, ये तो उन्होंने 5 बचाए अपने टीम के लिए वहां पर। अपना जो कद है उस कद का फायदा लिया जा रहा है, अच्छे ऐन समय पर छलांग लगाई वहां पर। तो इस बार मारने की कोशिश में गेंद जाएगी बिल्कुल बल्लेबाज को चकमा देती गेंदा, गेंद जाएगी विकेट कीपर के हाथ में। सुमान सिंह का ये ओवर समाप्त हो रहा है, और बिल्कुल मेरे ख्याल से अभी जो हमें जानकारी मिला है सुमान सिंह को रबाड़ा कहा जाता है, रबाड़ा की तरह गेंदबाजी करते हैं सुमान सिंह। 12 चेंडू और तब्बल बनवाई 50 धावा। चलिए देख पर स्क्रीन पर देखते हैं हरपन मौला इंसान को आप देख रहे हैं वहां पर, केके सर यानी कि कन्हैया लाल काले साहब वहां पर हम देख रहे हैं वहां पर। देखिए इन पर बहुत प्रेशर होता है सबको टीम को बुलाना, बड़े बड़े बाहर से टीमें जो आई है वहां पर, सबसे अच्छा प्रयास इन्होंने कहा से बुलडाना हो चाहे थाने हो चाहे पुणे की टीम जो आई है, इनका सबसे बड़ा अहम योगदान है केके सर का वहां पर। नवर की शुरुआत करने के लिए गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए नए बॉलर है वहां पे
जुगेश यादव को गेंदबाजी करने के लिए बोला जा रहा है, जुगेश आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। ओ बहुत अच्छी गेंद, बल्लेबाज के बिल्कुल पैर से टकराती गेंद, गेंदबाजी करने के लिए जुगेश गेंदबाजी करेंगे। काफी सीधा रन अप है, लेदर बॉल में जिस तरह से बॉलर जिस एक्शन में दौड़ते हैं उसी सॉफ्ट हैंड रन कहूंगा मैं। चलेंगे फिर से इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे जुगेश राम, और दिग्गज से गेंदबाजी करेंगे इस ओवर की तीसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे। इस बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंद जाएगी डीप स्कोरल क्षेत्र में, और जब तक कि फील्डर फील करते हैं वहां पर, जब तक कि देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सुनील जी, संजय जी धोत्रे और संजय जी खड़गे साहब, ये दो हंस के जोड़ है वहां पर केसीसी क्रिकेट टीम के, वहां पर मास्टर ब्लास्टर है वहां पर खड़गे जी, थोड़ा सा हाथ बताए। अच्छी गेंद पैरों के पास गेंद आई, ऑन साइड में गेंद को खेला जाता है, गेंद आएगी दो रन के माफ करना वहां पर रन दौड़ कर लेना है। चलेंगे फिर से इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार गेंद को मारने की कोशिश में परिवर्तन की तौर पर वेरिएशन थी गेंद में, गेंद को स्लोअर अंदाज में फेंका, नकल गेंद थी, नकल गेंद को समझ नहीं पाए वापर, हर बार गेंद को बाहर निकाले थे, इस बार गेंद को अंदर लाया वापर। फिर से गेंदबाजी करेंगे जुगेश अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, परों के पास गेंद आई, ऑनसर भी गेंद को मारा जा रहा, जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं फिर भी एक ही रन आएगा, दूसरी की दौड़ लगाई जा रही है, माफ करना दो रन आएंगे वहां पर, इन दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 25 रन बने हैं, और अभी भी मैच जीतने की अगर बात करना चाहेंगे 46 रन चाहिए आने वाले 8 गेंदों में। मैच मुश्किल बनता हुआ नजर आ रहा है, यहां से बहुत मुश्किल है मैच, आगे जाकर गेंद को मारने की कोशिश में फिर से गेंद बल्ले का अंदरूनी इज लगा वहां पर, विकेट कीपर आकर गेंद को मयूर फील करते हैं, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। यानंतर सामना जो होईल निश्चितच मेंढापूर क्रिकेट संघ आणि या सामन्यातील पराभूत संघ। चलेंगे फिर से इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए नए ओवर की शुरुआत करने के लिए, तो जहां तक कि हमारे ऑनलाइन स्कोरर जो है मेरे ख्याल से थोड़ा सा ओवर मेरे ख्याल से समाप्त हो चुका है, नए ओवर की शुरुआत करेंगे। बहुत अच्छी गेंद, इस बार गेंद बल्लेबाज को चकमा देती गेंद, नए गेंदबाज है बॉलिंग करने के लिए, यश जादव को गेंदबाजी करने के लिए बोला जाता बा, यश जादव गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट आर्म ओवर दिग्गज से गेंदबाजी करेंगे, जिनकी गेंदबाजी का मुकाबला करेंगे बल्लेबाज है स्ट्राइक पर योगेश, तो इस बार मारुति कांबळे है बैटिंग करने के लिए, जिन्होंने अभी अभी स्क्वायर कट खेला है, गेंद जाएगी वहां पर डीप कवर बाउंड्री के बाहर जाएगी 4 रन के लिए, और हमारे साथी जो स्कोरर है श्रेय जी पवेलियन की ओर जाएंगे इसके बाद, इस गेंद के बाद इस बार गेंद को मारने की कोशिश, ऑन द स्ट्रोक खेला जाता हुआ गेंद जाएगी बिल्कुल बॉलर के पीछे चली जा रही है, पहले टप्पे पर गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर। देखिए यहाँ पर पंडरपुर की टीम के समर्थक वहां पर अवधूत जी बड़वे साहब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, अमित पाटेकर भी है वहां पर, मेहरकर साहब जो है देखिए हाथ जिनका दिख रहा है वो पहले मैच से लेकर आज के मैच में, यानी कि क्रिकेट का सबसे बड़े दीवाने हैं मेहरकर जी। अच्छी गेंद, इस बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंद जाएगी बिल्कुल डीप स्कोरल क्षेत्र में, गेंद आ रही है जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं, बड़े आराम के साथ सिंगल रन बटोरा जा रहा है, और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता है, मैच खत्म होने के लिए कुछ क्षणों का हमें इंतजार करना पड़ेगा। वहां पर देखिए स्क्रीन पर देख सकते हैं इस टूर्नामेंट की पहले क्रमांक की ट्रॉफी, दूसरे क्रमांक की, तीसरे और चौथे क्रमांक की जो ट्रॉफी दी जा रही है
सौजन्य सचिन जी खंदारे खंदारे स्टेप सेंटर की ओर से बहुत अच्छी गेंद, टप्पा खेलने के बाद काटा बदलती गेंद, घूमती हुई गेंद। और वैसे देखा थोड़ा सा डिफरेंस जो होता है मुंबई साइड पुणे साइड में जो क्रिकेटर होते हैं वो गेंदों को ज्यादा जोर नहीं लगाते, टप्पे पे गेंदबाजी करते हैं, गेंदों को घुमाते हैं, टर्न करते हैं। लेकिन हमारे सोलापुर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करना तो यहाँ से गेंद, यहाँ के जो गेंदबाज होते हैं जोर जोर से गेंदबाजी करते हैं। ये थोड़ा सा खेल का डिफरेंस है दोनों में। इस बार मारने की कोशिश में एज लगा, वहां पर विकेट कीपर के पीछे आएगी, वहां पर फील्डर ने पकड़ लिया कैच, विकेट जाएगी वहां पर मेंढापुर संघ आणि पंढरपूर संघाचे कॅप्टन तोडी द्यायचे ताबडतोब या मेंढापुर आणि पंढरपूर संघ। मेंढापुर संघाचे कॅप्टन आणि पंढरपूर संघाचे कॅप्टन ताबडतोब या टॉस करूया। मेंढापुर संघाचे कॅप्टन प्रदीप लवकर या, वेळ घेऊ नका, मिनिट मेळा देखील मला वाटतं येतोय। चला पीके सर, कमलाकर जी तो बंडू शिंदे साहब पूछ रहे कि टूर्नामेंट की फाइनल मैच कब है, तो आने वाले 24 तारीख को इस टूर्नामेंट का अंतिम मैच होगा। वैसे देखा जाए तो बिल्कुल मोहिन बागवान भी करकम से मैच देख रहे हैं, आकाश बनपट्टे से पीयूष गोयल और सुमित जाधव जी कह रहे हैं बिल्कुल, ओंकार किनी, स्वयं कोड़ी भी कह रहे बिकी मुंबई कर के बिल्कुल दीवाने लगते हैं। मेंढापुर संघ शेवटचा कॉल असेल तुम्हाला, मेंढापुर क्रिकेट संघ लवकर या। चला प्रदीप जी या लवकर, वेळ घेऊ नका, आप दौड़ेंगे तो आपकी बॉडी भी गर्म होगी, आपके लिए बस थोड़ा सा फायदेमंद होगा। इस बार ये पांचवी मैच यहां पर हो रही है मेंढापुर और बिल्कुल बंडरपुर के बीच में, यानी कि होटल तात्या मच्छी टीम की टीम वर्सेस मेंढापुर क्रिकेट टीम। अभिषेक खुद साफ कर रहे मैं भी मैच देख रहा हूं भैया, आपका भी हम स्वागत करते हैं वहां पर। और महेश सदावर्ते बोल पूछ रहे कि हमारे रेगुलर कमेंटर आज राज सर कहां पर गए हैं, तो मैं सदावर्ते साहब को बताना चाहूंगा कि आज राज सर सांगोला में नाइट टूर्नामेंट चल रही है, वहां पे आज है, कल आएंगे मेरे ख्याल से, शायद यहाँ पर सेवा में